चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावणी का तीज का शुक्ल पक्ष की, चाहे कुमारी कन्या कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, शादी होने के बाद समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के प्राण छूटे तब तक हरपाली देव महादेव का व्रत नहीं छोड़ना, चढ़ाई गई शमी पत्र एक मुनि का नाम लेकर, एकादशी कौन से मुनि, आस्तिक मुनि का नाम लेकर, जरूर को वापिस ज्यादा शरीर बेकार हो गया, उसको ढापा आ गया, अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या चाय पर कहीं पर भी एक ओर लेकर रख देने पर इतना भी नहीं बने अंदर शरीर बहुत ही बेकार हो गया, तो सर्प प्रवेश समय हल्का फलहार ध्यान रखिएगा, सर्प प्रवेश नहीं करे, हरताली का व्रत करने वाली माताएं भले उद्यापन कर दे, शमी पत्र समर्पित करने को थोड़ा हल्का शमी उद्यापन करा, मतलब तुमने मुनि का स्मरण कर थोड़ा हल्का कर, कौन से मुनि है, आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश, उस शमी पत्र में का तीज का जो व्रत का उद्यापन करते हैं उसमें पांच चीज रखते हैं, पांच कपड़े स्त्री के, पांच कपड़े पुरुष के, दौ तली और देव, पांच तरह का नाम, पांचों कन्याओं का, पांच तरह का फल प्रकट हो जाता है, पांच तरह का फल, वो कन्या पांच तरह का जो फल रखा है द्वार का तीज के उद्यापन में, दुनिया तुम्हारे घर की बहन केला गिन ले, पपीता गिन ले, मौसमी गिन ले, तुम्हारे घर की अनार गिन ले, संतरा गिन ले, सब कुछ गिन ले, बहन बेटी आती है पांच तरह के फल में बद्दुआ देकर नहीं जाती, पर घर में कन्याएं बढ़ना ना चाहे हरताली का तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है, जब दरवाजा छोड़ कर पाठ फल कर वाले दिन उसमें पहले विदाई के दिन अगर जाती भी है तो शंकर उसको स्वीकार कर लेता है और घर पर फेंक कर जाती है, शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है, उसका प्रसंग पहले भी कहा, छाछे लगा कर चले जाते हैं, जब हम भगवान जीवन को समर्पित करते हैं जीवन का सारा कोई कार्य अपने मायके में दे दिया है, जिस कार्य को बार बार एग्जाम में बैठ रहे हो, बार बार परेशान हो, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे, नहीं हो रहा, एक बार हृदय को सामने बारी भगवान को प्रेम से करुणा सागर में शंकर को दिल से उस घर में निवास भगवान से विनती कर कर चढ़ाओ तो शरीर भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा, पर दिल से चढ़ाना हृदय का चीज की पूजन करने वाले चाहे को चाहिए बालू का मिट्टी का चाहे बनाना चाहिए, कृष्ण फुलेरा जो बनाया गया है ऊपर श्रावण शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए टांगने के लिए शंकर भगवान शिव पार्वती गणेश सुंदर बालू कांवड़ जल, कांवड़ जल हमने बताया है आपको जरूरी नहीं पारगंडा मांगकर निर्माण दो कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी दो पात्र लेकर जा सकते हैं, पंचमी तिथि के दिन हाथ में दो लोटे जल के, दो कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं जो आपके पास में हो, तो ऊपर शंकर का मंडल होता है शिव जी के ऊपर जल धारी होती है जिसमें जया विषहरा शामली बारी दौ तली और आराधना शंकर भगवान की पांच बेटियां जिसमें विराजमान सबसे पहली पूजा हम जल समर्पित करते हैं का तीज की हमारे काल के अंतर्गत हो जाना पीढ़ी में परिवार में अगर कोई प्रयास करा करो मर गया प्रदोष काल के समय पर हमें चले गया होता हो जाए गर्भ में मर गया होता है, पर लोगों की आदत के बाहर निकल कर भी अगर साढ़े आठ बजे में चले गया होता 9 बजे तक तो श्रावण पूजन करें फिर पंचमी आराम से परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल में चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, रीति कहती है कि प्रदोष का जो समय होता है प्रदोष काल तो होता है, शाम का जो समय होता है उस समय पर हरताली का तीज की पहली पूजन हो जिससे आपका स्मरण चित्त शंकर भगवान में उस घड़ी उस पल उस क्षण में आप शिव के हो जाएं, शंकर आप हाँ महाराज अगर किसी के आने में देरी हो होती कौन सी तिथि में करते हैं जम के बोलो जरा कोई आ नहीं पा रहा है बहुत देरी का मतलब क्या है सब की पूजन करो हरताली का पूजन व्रत वर्णन करता है कि शंकर शिवलिंग का निर्माण पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण गणेश जी का निर्माण और फुलेरा जो बनाया हुआ है क्या ये प्रदोष काल के पहले में हमारे बंद कर तैयार हो जाना कोई प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा नहीं बनना फुलेरा पहले बन जाना चाहिए सात पीढ़ी के अंतर्गत बहुत कोई
बहुत विशेष बात की हरतालिका तीज की कि शंकर जी का जो अपने स्वरूप बनाया है पाटे में थाली में चौकी पर चौरंग पर जो स्वरूप बनाया है प्राप्त हो जाता है। पहले नहीं रखा, पहले क्या बांधना है उसका फिर जन्म ले, पहले फुलेरा बांध दिए उसके बाद उसके नीचे शंकर जी को रखिए। कई अब जो हरतालिका तीज का पूजन करते हैं तो उनके लिए और दूसरे के लिए भी सुन ले। जो नारी हरताली का तीज का पूजन नहीं करती, व्रत नहीं करती, साधना नहीं करती, उसके लिए भी कहा गया इसको कि आप अगर ये व्रत नहीं करते हो तो एक कार्य जरूर करना, कहीं पर फुलेरा बंधा हो, ये हरताली का की पूजन हो रही हो, इसी 5-10 मिनट निकाल कर अपने आसपास के किसी पौधे में से पत्तियां लेकर या पुष्प लेकर 5 वृक्ष की पत्ती या 5 वृक्ष के पुष्प लेकर शंकर भगवान को जब पूजन हो रही हो, 5 मिनट माताएं जब पूजन कर रही हो, तब आप भी उस पुष्प को उस पत्तियों को शंकर को समर्पित कर सकते हो। ये नहीं चढ़ा सकते तो 5 फल श्रावण महीने फल नहीं चढ़ा सकते तो 5 कुछ भी पुष्प आदि का समर्पित महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र। क्यों चढ़ाया? आस्तिक मुनि का नाम किस लिए चढ़ाना चाहिए? कौन से मुनि? कहा कन्या स्त्री अगर मान लो हरतालिका का व्रत नहीं करती, पूजन नहीं करती, आराधना नहीं करती, तो वो कन्या वो नारी वो स्त्री वो पुरुष चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक दुकान भी चार चलाएगा, व्यापार भी बढ़ाएगा और संपदा को जोड़ नहीं पाएगा, 1 रुपए कमाएगा 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलेगा। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया पड़ती है, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया का महत्व कहा गया है, उस संपदा को बढ़ाती है, उस मनोकामना को पूर्ण करती है। इस चक्र के अंतर्गत जो तृतीया आती है वो मनोकामना को पूर्ण करने चली जाती है, इसलिए शिव की आराधना बगीचे में सर्प भी प्रवेश। हस्त नक्षत्र में किया गया दान, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत तृतीया के दिन किया गया पुण्य, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन किया गया पाशकन्याओं का भाव प्रकट, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन करा गया हमारे अपना सुंदर सिंदूर भगवान का, तुम्हारे घर की पांच तरह के वस्त्र, 5 तरह के स्त्री के वस्त्र, पुरुष के वस्त्र, 5 तरह का फल, 5 तरह का अनाज, घर में बहन ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण के साथ नहीं जाती या तो ब्राह्मण से घर में अध्यापन करवाएं या फिर आप स्वयं करते हैं, शिव को समर्पित करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर वो भाग प्रदान करें। यही नगर हरतालिका तीज के अध्यापन का वर्णन आता है। सुंदर भाव से हरतालिका माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हर हर आगे बढ़े, हाथ पे लगाकर चले जाते हैं कि हमने हमारे जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है, वो बेटियां तो जया इस देव ये उस घर में निवास करती हैं जिससे भगवान की जिंदगी किसने संवारी है। ये नागलच भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, वासुकी नाग बड़े शेषनाग छोटे, इन तीनों की जो अर्धांग ब्रह्मा ने संवारने वाली है, लक्ष्मी नाग लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों ने तप करकर साधना करकर ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को प्राप्त किया और तीनों ने प्राप्त करकर तीनों देवताओं से वर मांगा कि वर हमको ऐसा दीजिए कि हमारे तप साधना का फल नारी को तीज के दिन प्राप्त हो जाए। अब देखिए जरा, एक ही व्रत से, एक ही उपवास से संपूर्ण तप साधना का फल प्राप्त हो, संपूर्ण तप साधना का फल से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सांप मात्र एक, सबसे ज्यादा सर्प, सबसे ज्यादा एक व्रत करना संपूर्ण तप साधना का फल प्राप्त होते हैं। तो जहाँ पान की खेती होती है, जहाँ पर ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई मेल होती है, सबसे ज्यादा साफ वही पर पाएगा, सबसे ज्यादा साफ वही पर। और जो पान उतारने वाले रहते हैं, पान तोड़ने वाले रहते हैं, पान बेचने वाले रहते हैं, जिनको हमारे यहाँ सहज भाषा में चौरसिया कहते हैं, सबसे ज्यादा
इनका एक विधान रहता है कि सांप पान के उस बेल में चारों तरफ रमे रहते हैं, पान की बेल में सांप सांप के बच्चे चारों तरफ भ्रमण करते रहते हैं, और चौरसिया पान उतारने वाला बेल में से पान तोड़ने वाला सांप के बच्चों को उठाकर सांप को उठाकर उधर रख देता है और तोड़ देता है। पार्वती जी ने भगवान शिव से मांगा कि ऐसा वर दे दीजिए जिस वर से एक ही व्रत करने से इन चौरसियाओं को, कई चौरसिया लोग सोचे होंगे कि हम नाग की पूजन करते हैं, हम सर्प की पूजन करते हैं, नागपंचमी का हम सर्प का स्मरण करते हैं, हमारे कुल देवता के रूप में हम सर्प पूजते हैं, पर कभी चौरसिया नहीं विचार करा हरियाली बीज करने वाली माताएं को ध्यान से सुनिए कि तुम्हें सर्प नहीं डसेगा, तुम्हें कौन सा वर प्राप्त हुआ कि सांप तुम्हें नहीं काटेगा, पान उतारते समय हरियाली तीज समय पान को ले जाते समय सर्प तुम्हें डस नहीं करे, तो एक हरियाली तीज क्योंकि जिस समय पर गणगौर की तीज भगवान शिव की आराधना करती है। ये दो तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर एक सहजता उस नागिन को आते हुए देखता था, नागलक्ष्मी को आते हुए देखता था, आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त होगा। अब देखिए दूसरा सतुरी थी और वो एकांत में बैठा, इसने आकर देखा कि नागलक्ष्मी सेवा में लीन रहती, इसमें उमा और महेश्वर उमा और महेश्वर यहाँ तक कहता है कि जब नागलक्ष्मी पूजन करती थी तो कहा इन चार के व्रत तप का फल ये एक कोई जीव इसके पास में ना आए तो इसको बचाता था वो। अब एक दिन हड़ताली करती जब बड़ी हो गई, आप लोग करते हो हड़ताली का, लोग करते कि नहीं करते, करते हैं हड़ताली का, कौन कौन करते हैं हाथ उठाओ उठाओ, अरे सभी करते हो, रखो रखो, बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है। एक आती है हड़ताली का, नागलक्ष्मी को इस तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के आनंद के साथ फुलेरा मंत्र करती है, और जिसमें इस हरतालिका में हिंदू धर्म में माता पार्वती जी के जितने जन्म पहले हुए हैं, माता पार्वती का जन्म तो 52 नंबर का 52 नंबर का माता पार्वती का जन्म, इससे पहले तो माता के 51 जन्म पहले हुए थे, ब्राह्मण जन तो ये कहते हैं 51 जन्म माता पार्वती का पहले हुए थे, तो वो जितने जन्म माता पार्वती पूर्व में ले चुकी है, ब्रह्मानी जितनी बार ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान हो चुकी हैं, इंद्राणी जितनी बार इंद्र के साथ विराजमान हो चुकी हैं, और लक्ष्मी चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो रुक्मिणी के रूप में हो, चाहे वो सतभामा के रूप में हो, चाहे वो यमुना के रूप में हो, चाहे वो गंगा के रूप में हो, जितनी बार माता लक्ष्मी ने रूप धारण करे हैं वो सब रूप में, और माता पार्वती अपने सारे रूप में, ब्रह्मानी अपने सारे रूप में, लक्ष्मी अपने सारे रूप में इस हड़ताली का तीज के व्रत को करने के लिए आतुर रहती हैं, और इस व्रत को कल कर कर एक दिन में ही संपूर्ण विश्व का जितना तप है, साधना है, उपवास है, सबका फल एक साथ एकत्रित कर लेती हैं केवल एक व्रत में हड़ताली का तीज। अब एक बार ध्यान से सुनिएगा, सारे व्रत आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप व्रत छोड़ सकते हैं, जितने भी व्रत आप लोग करेंगे, सोमवार मंगलवार एकादशी छठ पंचमी चतुर्थी, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं, सारे व्रत को छोड़ सकते हैं।